सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे नाग पंचमी के बारे में जो कि आने वाले 9 अगस्त दिन शुक्रवार को पड़ेगी। नाग पंचमी की तिथि जो है वो सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आती है हर वर्ष, और इस पंचमी तिथि पे जो है नाग देवता की पूजा की जाती है, इसलिए इसे नाग पंचमी के नाम से जाना जाता है। पंचमी तिथि की जो प्रारंभ होगी वो 9 अगस्त को रात को 12 बजे बाद, यानी कि 8 तारीख की रात को जो दिन पड़ जाएगा, तो 9 अगस्त की सुबह 12:37 पर प्रारंभ होगी और इसकी समाप्ति 10 अगस्त को सुबह 3:15 पर होगी। जो उदय तिथि के अनुसार ये 9 अगस्त को ही मनाई जाएगी। पूजा का जो मुहूर्त है नाग पंचमी पर वो सुबह 5:47 से सुबह 8:27 तक रहेगा 9 तारीख को, और इस दिन भगवान शिव के साथ साथ नाग देवता की पूजा भी की जाती है। क्योंकि कई तरह के नाग हैं जिनके नाम इस प्रकार है, जैसे अनंत, वासुकी, तक्षक, पद्म, महापद्म, कर्कट, पुलिक, शंख, तो कई तरह के सर्प है, लेकिन जो नागों के देवता हैं उनकी पूजा करना विधान है। इस दिन सांपों की पूजा की जाती है। कहते हैं कि नाग देवता की पूजा करने से आपकी कुंडली में यदि कालसर्प योग बना हुआ है तो वो कालसर्प योग समाप्त हो जाता है, क्योंकि कालसर्प योग के बनने से कुंडली में कई तरह की परेशानी का सामना व्यक्ति को अपने जीवन में करना पड़ता है। क्योंकि जिन कुंडली में हमने देखा है कि कालसर्प बना हुआ है, तो ऐसे कुंडलियों में कई बार जैसे घर में परेशानी रहना, जाता का किसी काम काज में मन ना लगना, नौकरी चाकरी में दिक्कत आना, और ख़ासकर बिजनेस में घाटा नुकसान, शादी ब्याह में दिक्कत आना, तो इस तरह की कई तरह की दिक्कतें आती हैं। क्योंकि जब तक कालसर्प योग आपकी कुंडली में बना हुआ है और इसका उपाय ना किया जाए तो ये जातक को समय समय पर परेशान करता रहता है और उसके कार्यों में बाधाएं, कई बार शिक्षा क्षेत्र में छात्रों को भी दिक्कत आती है, बिजनेस व्यापार हर तरह की दिक्कतों का सामना उसे करना पड़ता है। तो इन सभी दिक्कतों से दूर करने के लिए, यानी इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आपको इस दिन नाग पंचमी पर पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव के साथ साथ नाग देवता की पूजा की जाती है। वैसे तो सावन का महीना भगवान शिव का है ही, लेकिन कुछ खास दिन पूजा करने से जो है आपको उसके लाभ अवश्य मिलते हैं। तो पूजा का जो इस दिन मुहूर्त मैंने बताया आपको, सुबह 6:45 से 8:30 तक रहेगा। तो इस दिन जो है अपने दरवाजे के दोनों ओर गोबर से सर्प की आकृति बनानी चाहिए, और मंदिर में जाकर जो शिव जी के पास सांप बना रहता है तो वहाँ नाग देवता को दूध पिलाना चाहिए। उसके बाद उन्हें चावल, फूल, फल, हल्दी, रोली आदि चढ़ानी चाहिए, और उसके बाद जो है दूध जो पिलाए उसमें चीनी मिला लें, चीनी मिला के ही दूध नाग देवता को पिलाना चाहिए, और सपेरे को भी दक्षिणा दें, साथ ही नाग पंचमी की कथा भी सुननी चाहिए, क्योंकि इस दिन नाग पंचमी कथा सुनने का बड़ा महत्व है। यदि ये सब काम आप पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से करते हैं तो आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याएं दूर होती हैं। इस दिन शिव जी पे जब जल चढ़ाएं तभी आप नाग देवता पे भी जल भी चढ़ाएं और साथ ही दूध भी पिलाएं, क्योंकि शिव जी की पूजा भी इस दिन की जाती है, और ख़ासकर सावन का जो महीना है वो बहुत उत्तम है शिव जी के लिए और ख़ासकर नाग देवता के लिए। तो ये था नाग पंचमी के बारे में जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर भी कर दें ताकि और लोग इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।